ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। लीब्रा देख लेते हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ, करियर, ओवरऑल जो भी वीडियो को देख रहा है। लीब्रा, पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। ओके, सो आपका जो एफर्ट है, ठीक है, वो ज़रूर रंग लेकर आएगा। अब चाहे आप अपने करियर को लेके या आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि पॉजिटिव आउटकम ही आपको मिलेगा। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको तरक्की की ओर लेकर जा रहे हैं। स्मॉल और बिग सक्सेस इन योर लाइफ आर ऑन द वे। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। स्कीम्स वगैरह में पैसे मत लगाइए, अवॉइड कीजिए। ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल और मेक प्लान्स। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर, और मेकिंग प्लान। एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। करियर एडवांसमेंट के लिए कुछ चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप स्टडी करने जा सकते हैं अब्रॉड और स्टफ लाइक दैट। डी क्लटर, इट्स टाइम कि अब आप अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दें, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई यूज़ नहीं है। चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और इवन ऐसे लोगों से भी दूरी बना लीजिए जो आपको पता है कि नहीं, ठीक है, कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है और आपके पीठ पीछे बात करते हैं या जो भी है, ठीक है। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और दूसरी बात ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि समवन कैन हर्ट योर फीलिंग्स, ओके, कि आपकी कोई फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, और या उनका कोई नया चेहरा आपके सामने आ सकता है। सो अभी आपको देखना है, ठीक है ना, कि एंजल्स तो बता रहे हैं, बट यू हैव टू सी कि एंजल्स किसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है ये जो बातें हैं। बाकी पर्सनली दिस इज़ अ गुड, यू नो, कमिंग टाइम इज़ गुड फॉर यू। बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन से बच के रहिए। मे बी पीपल आर वेरी ड्रॉन टू यू, अट्रैक्टेड टू यू। अगर आप सिंगल हैं तो एंजल्स कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैरिड लाइफ के लिए सब कुछ अच्छा है, बट अगर किसी की तरफ टेम्पटेशन, वो आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकती है। चलिए, ये तो हो गया ओवरऑल एनर्जीज फॉर द कमिंग वीक ऑफ कॉर्ड्स। अब हम आगे रिलेशनशिप सेक्टर की स्पेसिफिकली बात कर लें कि रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अनरिक्वाइटेड लव, सो वन साइडेड लव वी आर गेटिंग, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। अपनी केमिस्ट्री को बनाने के लिए रिलेशनशिप को चांस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो एंजल्स कह रहे हैं आप किसी जेन्युइन या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हैं, सो उसको टाइम दीजिए, उसको नर्चर कीजिए, ठीक है। रीकैप्चर रोमांस, तो आपकी लाइफ में रोमांस वापस से आ सकता है, बट यू नीड टू, यू नो, वर्क ऑन इट। आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज सीम्स टू बी कि ऐसा लगता है, यस, डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है, चीटिंग का कार्ड आ रहा है। कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसे छुपा रहा है, कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है। समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क। तो लीब्रा, ये आपको देखना है, ठीक है ना, कि कौन किससे बातें छुपा रहा है। आपके पार्टनर, लाइक समबडी इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टू यू, एंड बट जो एडिक्शंस है, यू नो, कि हो सकता है कि किसी बात की एडिक्शंस जो है वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके, यू नो, एडिक्टेड हैं। एनीथिंग लाइक अल्कोहल हो सकता है, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद है, तो आप उसकी वजह से आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो सफ़र कर रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हाँ, सिंगल्स के लिए ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट अगेन टेम्पटेशन से बच के रहना है। इट्स अ गुड टाइम फॉर मैरिज प्रपोजल कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। चलिए, करियर की बात कर लेते हैं। करियर वाइज, सो देयर इज समबडी, ठीक है, यू कैन गेट अ मैसेज
अबाउट समथिंग, हो सकता है कि कोई मैसेज या और अ कॉल और समथिंग लाइक दैट. अब देख लेते हैं कि एंजल्स क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस बारे में हो सकता है. ओके, सो मे बी यू आर लुकिंग फॉर समथिंग आउट. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस का कार्ड आ रहा है, सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि या तो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, ठीक है, और इट्स अबाउट सम ऑफिशियल मैसेज ऑफ अपग्रेड कि यस अपग्रेड किया जा रहा है. इट्स अबाउट दैट लाइक यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल या ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल पर्सन है और समबड़ी यू नो मैच्योर मैन और मैच्योर वुमेन, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग मैसेज अबाउट दैट. और हो सकता है कि आप परेशान हो रहे हो बट आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव. मुझे लगता है आप किसी चीज़ इस बात को लेके किसी बात को लेके परेशान हो रहे हैं, बट परेशानी की ज़रूरत नहीं है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यस. हाँ, एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, यू नो इट्स अबाउट अ डिलेड एनर्जी. हो सकता है दैट आप किसी बात को लेके कंसर्न्ड हैं, ठीक है, अपने करियर में किसी चीज़ को लेके लाइक यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट. सो यहाँ पे हमें कुछ लेटर दिखाई दे रहा है और मे बी इट्स अबाउट अ ऑफिशियल पर्सन जो आपको थोड़ा सा यू नो समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई एट वर्क प्लेस दैट यू शुड डू समथिंग. या हो सकता है कि इट्स अबाउट फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट रूल्स, कोई लीगल यू नो कुछ लीगल भी हो दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लीगल एंड यू आर सपोज टू डू दैट, या आपको किसी तरीके से कुछ यू नो हैंडल करने की ज़रूरत है, आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, सो दे आर यू नो ट्राइंग टू यू नो लाइक इलेबोरेट कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आई डोंट नो, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं लीब्रा के लिए. सो यस, तो देयर इज़ समथिंग लाइक गोइंग ऑन. और ये जो हफ्ता है, मैं पहले ये देखना चाहूँगी दैट वट यू नीड टू वर्क अपॉन सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट. अ बिट ऑफ चैलेंजिंग भी आप कह सकते हैं, बट ऑब्वियसली निकल तो जाएंगे, बट द थिंग इज नाउ मे बी इट्स अबाउट अ डिले, ठीक है. येस, फीयर, फियर का कार्ड आ रहा है. ऑफकोर्स अब ये सुनने के बाद आपके मन में वो एक फियर भी आ सकता है कि कैसे होगा, क्या होगा, बट एंजल्स कह रहे हैं आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव. सो फियर से काम मत करिए, ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी है, सेल्फ डाउट से मत कीजिए. बी कॉन्फिडेंट, एंजल कह रहे हैं ये दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट. एंड डिनाइल एनर्जी में से अगेन फियर आ रहा है दैट लॉट ऑफ फियर इज़ यू नो लाइक सराउंडिंग यू, उसमें से बाहर निकलिए और बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक है ना. लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर करियर लिब्रा. ऑफकोर्स एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं फॉर योर करियर. यस, दिल से काम लीजिए, ठीक है ना, एंड ग्रैटिट्यूड पे कीजिए. यस, अपने इमोशन से, यू नो व्हाट यू फील लाइक, आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, व्हाट यू रियली यू नो, तो वो उस चीज़ से काम लीजिए. अगर आउट ऑफ फियर आप अपने डिसीजंस लेंगे तो आई थिंक वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो मे बी इट्स अबाउट कि ऑफकोर्स कोई आपको यू नो हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, या कोई यू नो आपको क्या बोले लेक्चर दे रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे किया, अपना काम कीजिए, यू नो. तो उनके जो भी वो आपको समझाना चाह रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग लिब्रा. इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट रीडिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली हो, ठीक है, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.